इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। रोता है, चिल्लाता है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारी महिलाओं का बलात्कार होता है, ये सारी बातें रो रो कर वो चिल्लाता है, सदियों से चिल्लाता है। जब मैं उनको कहता हूं कि अगर इन सारी मुश्किल मुसीबत का हल करना है तो हमें हुक्मरान बनना होगा, क्योंकि मैंने मुट्ठी भर पठानों को देखा है, मुट्ठी भर मुगलों को देखा है, बहुत कम संख्या वाले अंग्रेजों को देखा है, और अंग्रेज जाने के बाद 15% ऊंची जाति के लोगों को देखा है। इन सारे हुक्मरानों को मैंने देखा है, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता है, इनकी महिलाओं का बलात्कार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह अन्याय अत्याचार हुक्मरान के साथ नहीं होता है। अगर हमें भी अन्याय अत्याचार का अंत करना है, अगर और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी ही चाहत है कि हमें अन्याय अत्याचार का अंत करना है, तो उसके लिए भी हमें हुक्मरान बनना जरूरी है। देश तो बहुत बड़ा है, ये जरूरत तो बहुत बड़े समाज की, 85 करोड़ लोगों के समाज की, इस देश की 100 करोड़ आबादी में से 85 करोड़ लोगों के समाज की ये जरूरत है। पूरे देश की जरूरत है, देश के प्रदेशों की जरूरत है। जब उत्तर प्रदेश में अन्याय अत्याचार बढ़ा, उसके खिलाफ उठकर जिनके साथ अन्याय होता था उनको हमने तैयार किया, उनकी कुछ शक्ति बनाई, उनके कुछ एमएलए एमपी चुनकर लाए, उसके आधार पर हमें भी सरकार में हिस्सा डालने का मौका मिला। पूरी सरकार तो नहीं बनी, सिर्फ हिस्सा डालने का मौका मिला, जो हमारे सहयोग से दूसरों की सरकारें चलती थी, दूसरों के सहयोग से हमें भी सरकार बनाने का चलाने का मौका मिला। और जिस अन्याय अत्याचार के खिलाफ मेरी गैरहाजिरी में मायावती संघर्ष कर रही थी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है अलीगढ़, आप लोगों ने खासकर अंबेडकर के मानने वाले लोग अलीगढ़ आगरा के बारे में यहां भी जानते होंगे कि अम्बेडकराइट मूवमेंट श्री बीपी मौर्य संतप्रिया गौतम के माध्यम से उस क्षेत्र में चली थी, कुछ एमएलए एमपी उधर से उस वक्त बने थे। इसलिए जब वो मूवमेंट खत्म हुई, जो जाटव लोग शेड्यूल कास्ट के लोग उस मूवमेंट को चला रहे थे वो अन्याय अत्याचार का शिकार हुए, और एक भट्टे के ऊपर जाटव मजदूर औरतें काम करती थी, 16 औरतों का एक रात को बलात्कार हुआ। मायावती को मैं मुलायम सिंह यादव के साथ कोऑर्डिनेटर बनाकर दक्षिण भारत में चला गया कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ
आप जिस सरकार में हमारी साझ है उसमें आवाज उठाएं। जब मुलायम सिंह ने उस आवाज को नहीं समझा तो मुलायम सिंह को हटाकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो मैंने मायावती से कहा कि सबसे पहले जुल्म ज्यादती का, अन्याय अत्याचार का अंत करना चाहिए। पहले दो महीने में मायावती ने 1,45,000 गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर, गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल में बंद किया। उत्तर प्रदेश के सूबे में 1,45,000 लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट लगाकर, गैंगस्टर एक्ट लगाकर बंद किया और दो महीने के अंदर जो गुंडे जेल से बाहर बचे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में भाग गए और बहुत लोग तो देश छोड़कर विदेश, नेपाल भाग गए। जब तक मायावती की सरकार रही उनकी वापस आने की हिम्मत नहीं पड़ी। इसलिए साथियों, एक महिला ने महिला के ऊपर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए मजबूती के साथ सरकार चलाई। दो महीने में उस मजबूती का असर दिखाया। उसके बाद जब दोबारा 1995 के बाद दोबारा उनको 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हुआ, उसको शपथ दिलाने के लिए मैं लखनऊ पहुंचा तो पेपरों में हेडलाइन था कि मायावती उत्तर प्रदेश की दोबारा मुख्यमंत्री बन रही है। उनका नाम सुनते ही आधी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है और मायावती को सिर्फ आधी और खत्म करने के लिए बची है। उस आधी को भी खत्म करने के लिए मायावती को कुछ नहीं करना पड़ा। पुलिस का डायरेक्टर जनरल पुलिस एक चमार को लगा दिया गया, 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस चमार लगा दिए गए, 4 आईजी पुलिस, 8 डीआईजी पुलिस, 45 एसएसपी। जब ऐसे लोग जिले से लेकर ऊपर तक लगाए गए तो गुंडागर्दी के खिलाफ जुल्म ज्यादती को रोकने के लिए मायावती को एक आदमी को भी अरेस्ट नहीं करना पड़ा। अपने आप ही गुंडों को, जुल्म ज्यादती करने वालों को इशारा मिल गया कि हुक्मरान कौन है, हुक्मरान कौन है, हुकूमत करने वाला कौन है। हुकूमत करने वालों के साथ अगर कोई जुल्म ज्यादती करना चाहता है उसका हशर क्या होता है। इसलिए साथियों, हुक्मरान बहुजन समाज को अगर आबादी के हिसाब से नहीं, अगर डेमोक्रेसी के आधार पर नहीं, अगर डेमोक्रेसी का हमें ख्याल नहीं है तो भी अपने ऊपर हो रहे जुल्म ज्यादती का अंत करने के लिए, अपने अधिकार हासिल करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जिंदगी में दूसरों की तरह से बहुजन समाज को, इस देश का हुक्मरान समाज बनना बड़ा जरूरी है। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।